आज हमारे साथ पीवी श्याम साहब जुड़े हैं, जो कि महाराष्ट्र के हैथवे के ऑपरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हमने इनसे संपर्क किया इसलिए कि जो कि महाराष्ट्र में कोविड 19 का प्रॉब्लम इतना चल रहा है, तो थोड़ी क्योंकि ऑपरेशन में हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं, ग्राउंड पे काफ़ी पकड़ है इनकी, तो इनके ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है कि इतना जो नंबर बढ़ा है महाराष्ट्र में, उसका रीज़न क्या है। श्याम साहब, क्या लगता है आपको ये नंबर बढ़ने का क्या रीज़न है? खुरम भाई, बेसिकली मुंबई इज़ अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, और यहाँ पर बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग रहते हैं। इवन यहाँ पर आप अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन दी अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसकी, मतलब एक सिंगल ईट की दीवार होती है, उसके बाद में दूसरी बिल्डिंग लगती है। सिमिलर केस है हमारे जो स्लम है या लो इनकम ग्रुप के लोग जहाँ रहते हैं, वहां पर भी वही है कि बहुत ही क्लोज है, बिकॉज जो स्पेस है कंस्ट्रेंट तो है ही मुंबई में, सभी को पता है। उसके चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है वो अनटिल अनलेस लोग उसको सीरियसली पालन नहीं करेंगे अपने घर में रह के, तो वो मतलब यू नो डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक देर आर सम पॉकेट्स इन मुंबई जहां पर यू नो लोगों ने लॉकडाउन का सीरियसली नोट नहीं लिया है और लोग बाहर आए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उसके चलते ये थोड़ा सा जो जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है ये बढ़ गया, वो प्रॉब्लम हो रहा है। ये बताइए कि अभी जो केसेस धारावी से आ रहे हैं, और आपको लगता है जहाँ तक मेरी जानकारी 8 लाख से ज्यादा लोग वहाँ रहते हैं, राइट? अगर वहाँ फैलता है तो इसको कैसे प्रशासन या फिर गवर्नमेंट कैसे रोकता है? चल, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट मैं आज ही एक्चुअली में सुबह कुछ ट्वीट्स फॉलो कर रहे थे, महाराष्ट्र के कुछ मिनिस्टर्स हैं, जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राहुल शेवाले करके जो अभी करंट सिटिंग एमपी है, उन्होंने तो एक्चुअली चीफ मिनिस्टर को ऑलरेडी एक लेटर लिखा है कि यू विल हैव टू कम्प्लीटली लॉकडाउन धारावी, बिकॉज अभी भी धारावी में कुछ एरियाज हैं अदर देन द कंटेनमेंट जोन जहाँ पे लोग घूम रहे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज टेकन नोट ऑफ इट और उन्होंने खुद ने लिखा है सीएम को कि इसको कंप्लीट लॉकडाउन करने के सिवा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज आपने सही बोला कि अगर वहां पर मतलब शुरुआत एक ही केस से हुआ था, आप 7 में पहुंच गए, आई थिंक जितना ज्यादा टेस्टिंग होगा उतना ज्यादा केसेस हाईलाइट होंगे वहां से। उसी तरह एक खबर आई और एक वीडियो भी आया कि जो बॉम्बे का सब्जी मंडी है वहां पे लोग बहुत भीड़ लगा के जा रहे हैं, लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं प्रशासन कहीं फेल हो रही है? देखिए, देखो, पुलिस ने इनिशियली आप अगर नोटिस करेंगे सारे न्यूज चैनल ने लगाया था कि पुलिस की ज्यादती हो रही है, सेंसस सर्विस को आने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, तब वो एक फियर फैक्टर था लोगों में, लोग भी बाहर निकलने के पहले 4 बार सोचते थे। हमने काफी व्हाट्सएप में भी जोक्स देखा है कि पुलिस ने कैसी ज्यादती की, लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को जब लॉकडाउन की सीरियसनेस नहीं समझ आ रहा, सरकार ने ये क्यों किया, ये बीमारी के बारे में समझ नहीं आ रहा, आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन नीड टू बी टेकन। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ लोकैलिटी में स्टेट रिजर्व पुलिस भी लगाया ताकि वो एक सीरियसनेस दिखे लोगों में, सिटीजन्स में, और उसकी वजह से कुछ कुछ लोकैलिटी में फर्क पड़ा है अभी। तो एक्चुअली हम लोग, श्याम साहब, आखिर में कुछ एक आपको सर्वे थोड़ा रखूं कि जो आज सुबह हम लोगों ने किया, तो तकरीबन 5,000 से ऊपर का आंकड़ा नंबर ऑफ पेशेंट का इंडिया में जा चुका है, और हमने उसमें से तकरीब 1 अप्रैल के आंकड़ा को अगर निकाल दिया है तो 3,000 कुछ 7 दिन में केसेस आए। अगर इसी स्पीड से जाता है तो आने वाला 15 तारीख जब तक लॉकडाउन खत्म होगा उस 1,000 आंकड़ा पार कर चुका है, right? तो ये टाइम है जब लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना और अपने को घर में कैद करके रखना, उसके लिए क्या आखिर में क्या मैसेज देंगे? मेरा तो यही रिक्वेस्ट है हर एक सिटीजन से कि बॉस, यू विल हैव टू स्टे होम एंड स्टे सेफ, उसके सिवाय मतलब यू नो देयर इज नो अदर थिंग। मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से जितने भी रिसोर्सेज है, जो इंफ्रा है, हेल्थ इंफ्रा हमारे पास, उसको लेके ऑलरेडी कंसर्न जता चुकी है एवरी स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सिटीजन ने भी इसमें अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अपने तरफ से जो सरकार बोल रही है कि आपको घर पे रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, वो हिसाब से ही मतलब दैट्स द ओनली सजेशन आई वुड रिक्वेस्ट द सिटीजन टू स्टे एट होम। थैंक यू सो मच श्याम साहब, टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।